सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मैं टेक्निकल दृष्टिकोण से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग अपने होली के गाने का पोस्टर कैसे अपने मोबाइल से बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं कि अपने गाने का पोस्टर कैसे बनाते हैं, तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर गाइस कुछ इस तरह से आप लोगों को पोस्टर दिख रहा है, इसी तरह का मैं बताऊंगा कि कैसे बना सकते हैं। इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। तो आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर आना है। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद कुछ इस तरह से इस एप्लीकेशन का आइकन दिखता होगा। अगर ये एप्लीकेशन आपके पास नहीं है तो मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस तरह से ऑप्शन नहीं दिखेगा, कुछ इस तरह से डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन दिखेगा और कुछ इसका इसी तरह का इंटरफेस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइज, अगर आप लोग अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को राइट की कॉर्नर में थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा इमेज साइज, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इमेज साइज पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट आप लोगों को पोस्टर आ जाएगा, इस तरह से पेज आ जाएगा। एक ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे प्रीसेट का देखने को मिलता होगा, इस वाले प्रीसेट के ऑप्शन के आप लोगों को बगल में एक टिक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप लोग यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिए, हाइट और बीथ इसका क्या क्या होता है। बीथ इसका 1280 और हाइट 720 होता है। आप लोग को याद भी कर लेना है ताकि अगर कहीं पर भी आप लोग को अलग कोई एप्लीकेशन में जाकर बनाना होगा तो अगर आपके पास याद नहीं रहेगा तो वहाँ पे अगर इस तरह से प्रीसेट का ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग को ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग को एक बैकग्राउंड लेना होगा। बैकग्राउंड लेने के लिए आप लोग को चौथे स्थान पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से इसका आइकन दिखेगा कॉपी का, देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को कलर का भी मिलता है। यहाँ से आप लोग अलग अलग होली का कलर कुछ जो बैकग्राउंड में बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को, क्रोम गैलरी। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग जो गूगल से डाउनलोड किए हैं बैकग्राउंड उसको ले लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से डाउनलोड किया हूँ तो ले लेता हूँ। तो क्या ये मेरे पास आ चुका है बैकग्राउंड, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्रोम गैलरी पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से मैं लेता हूँ बैकग्राउंड। ये रहा मेरे पास बैकग्राउंड। यूट्यूब साइज का आप लोगों को ले लेना है। तो देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से बैकग्राउंड आ चुका है, लेकिन ये बैकग्राउंड जो है देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आप लोगों को। टेस्ट, तो टेस्ट से आप लोगों को कोई भी लेन देन नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को लगाना है फ़ोटो, फ़ोटो नहीं लगाना है। तो आप लोग कोई भी फिर यहाँ से चेंजिंग करने के लिए आप लोगों को फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग ले लीजिए कोई एक दूसरा इस तरह से बैकग्राउंड। तो चलिए मैं ले लेता हूँ ये बैकग्राउंड। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से बैकग्राउंड मेरे पास आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट काम आप लोग को आता है पीएनजी सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे पीएनजी सेलेक्ट करने का तरीका दो है, मैं आप लोग को दोनों तरीके बता देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को सारे पीएनजी को ऐड करके यहाँ पर एडजस्ट करना बताऊँगा। उसके लिए गाइस एक ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को मिलेगा, ये थर्ड वाले ऑप्शन पर देख सकते हैं, सर्कल का कुछ आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इंपोर्ट का। यहाँ से भी आप लोग पीएनजी अपने गूगल गैलरी से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इस तरह से देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा ऊपर में स्क्रीन पर प्लस का, इस वाले प्लस पर जैसे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन यहाँ पे फ्रॉम गैलरी का आ जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने गैलरी से यहाँ से डायरेक्ट पीएनजी को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से सारे पीएनजी को अप कर लेता हूँ ऐड। तो दोस्तों सारे पीएनजी को मैं यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ, अब इसको करना है एक एक करके अर्जेस्ट। तो इस पीएनजी को जैसे देख सकते हैं खेसारी लाल का जो पीएनजी है, इसको आप लोग को यहाँ पे लेफ्ट की इस वाले ऑप्शन पर रखना है इस तरह से, और उसके बाद आप लोगों को इसको करना है लॉक। लॉक करने के लिए आप लोगों को ऊपर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से करना है लॉक। लॉक करने के बाद गाइस अब आई नेक्स्ट पीएनजी आप लोग को आता है गर्ल का।
कुछ इस तरह से गर्ल का पीएनजी आ जाएगा। आप लोगों को इसको कॉर्नर में इस तरह से रखना है, इतना, और उसके भी इसको कर देना है यहाँ से लॉक। दोनों यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब नेक्स्ट काम आता है ये इस सब पीएनजी का, जो देख सकते हैं सारे होली का दिया गया पीएनजी, इसको आप लोगों को अब करना है एक एक करके। इस वाले बॉर्डर को आप लोगों को यहाँ पे रखना है इस तरह से मिड में, यहाँ पे इस तरह से ये रखना है। यहाँ पे आप लोग का एलम बॉम का नेम लिखने के लिए। उसके बाद इस वाले पीएनजी को आप लोग को यहाँ पे रखना है और इसको आप लोग को इस कॉर्नर में और इस वाले पीएनजी को ऊपर इस तरह से रखना है। इस वाले पीएनजी को आप लोग को यहाँ पे रखना है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक आप लोगों को एलम बॉम का नेम डाल देना है, जो भी आपका एलम बॉम का नेम है वो लिख सकते लिखना है यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले करता हूँ यहाँ पे लॉक। लॉक करने के बाद गए आप यहाँ पे लिखने के लिए एक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से एक आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है और टेस्ट पर आना है। उसके बाद एडिट, एडिट पर आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लिखने के बाद ओके का कुछ इस तरह से आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे मेरा टेस्ट आ चुका है। अब इसको आप लोग को क्या करना है, एक ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले टेस्ट को सेलेक्ट कर देना है। करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे फॉन्ट का दिखेगा, इस वाले फॉन्ट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ये कुछ इस तरह से आइकन है, आप लोग देख सकते हैं। इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद गाइस यहाँ से फॉन्ट को आप लोग को ऐड कर लेना है। जो भी फॉन्ट आपके पास है उसको आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए ये फॉन्ट मैं रख लेता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को अलग टेस्ट दे देना है। टेस्ट देने के लिए यहाँ पे एक कलर को आप लोगों को कलर के आइकन पर आना है और यहाँ से कलर इसको दे देना है। कलर देने के लिए यहाँ से आप लोग जो भी कलर देना चाहें उसको दे सकते हैं। चलिए मैं ये वाला कलर देता हूँ ताकि ये कलर थोड़ा बेस्ट लगेगा। उसके बाद अब स्टोक देना है ताकि इस टेस्ट में निखार आने के लिए स्टोक की ज़रूरत होती है। तो कुछ इस तरह से स्टोक है और साइड है, दोनों को आप लोग को इनेबल कर देना है वाइट करके। वाइट यहाँ पर कलर करना है, उसके बाद फिर साइडों पर आना है, वाइट कर देना है। तो गाइज कुछ इस तरह से मेरा टेस्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट फिर इसको करना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक अगला टेस्ट लिखना है, अगला टेस्ट जो भी टेस्ट, चलिए मैं वो भी लिख लेता हूँ। तो गाइज ओके पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा और इसको बड़ा कर देना है। इस वाले साइज को आप लोग को थोड़ा सा और छोटा रखना है इस तरह से और इसको बड़ा कर देना है इस तरह से। अब फिर आप लोगों को इसको कलर चेंज करना है, जो भी कलर यहाँ पे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो चलिए मैं कर देता हूँ रेड। रेड करने के बाद फिर इसको करना है डुप्लीकेट और एडिट पर क्लिक कर देना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को नेम लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेता हूँ और ओके कर देना है। तो गाइस चलिए यहाँ पे टेस्ट में लिख, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं ये टेस्ट को ला दिया हूँ। अब इसको आप लोगों को करना है अलग कलर। कलर करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आइकन दिखेगा कलर का, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ग्रीन कर देना है। ग्रीन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका टेस्ट दिखेगा। तो इसके लिए आप लोग को एक और काम करना होगा, स्टोक पर आ जाना है। स्टोक का कुछ इस तरह से आइकन दिखेगा तो स्टोक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से दे देना है ब्लैक और फिर आप लोग को इसको भी साइडों को भी देना है ब्लैक। ब्लैक देने के बाद गाइस देख सकते हैं आपका जो ये टेस्ट है वो हाइलाइटेड हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे में इस तरह से इसको एडजस्ट कर देना है इस तरह से, तो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग को यहाँ पे सिंगर का नेम लिखना है। तो चलिए सिंगर का नेम मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्वर खेसाई लाल यादव और ओके पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे इस वाले टेस्ट को आप लोग को इस तरह से कर लेना है और उसके बाद आप लोगों को इसको कलर दे देना है। कलर देने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कलर के आइकन पर क्लिक कर देना है और स्वर को आप लोग को यहाँ पे देना है रेड रेड और उसके बाद यहाँ पर इसको कर देना है वाइट। ये व्हाइट या कोई भी कलर यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ ये।
और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद गाइस आप इसको आप लोग को फॉन्ट को चेंज करना है। फॉन्ट चेंज करने के लिए आप लोग को आना है ए वाले ऑप्शन पर, ए बी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग फॉन्ट ले। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फॉन्ट को चेंज कर दिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को बोल्ड कर देना है, आना स्टाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर बोल्ड कर देना। बोल्ड करने के बाद उसके बाद यहाँ पर स्टॉप पर क्लिक कर देना है और इसको आप लोग को व्हाइट दे देना है। व्हाइट इस तरह से स्टॉक देना है, साइडों भी व्हाइट दे देना है। और देने के बाद गाइज अब आप लोग देख सकते हैं कि जो स्वर है वो यहाँ पे एक लेफ्ट की ओर है। इसको आप लोग को मिड में करना है। मिड में करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा एलिगन का, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से एलिगन का शेप है और उसके बाद मिड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है अब। तो गाइज उसके बाद आप लोग को एडजस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को नीचे में इस वाले पार्ट को रख देना है मीट करके। चलिए मैं सबसे पहले मीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको करना है सेव। सेव करने के लिए ऊपर में एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरह से डिब्बी, इस पर क्लिक कर देना है और सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक इस तरह से आप लोगों को एक आ जाएगा पेज, आप लोगों को कस्टम पर क्लिक कर देना है। कस्टम पर क्लिक करने के बाद अगर आप लोग अपना पोस्टर को हाई क्वालिटी में करना चाहते हैं तो अल्ट्रा कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप लोग कर दीजिए वेरी हाई। तो चलिए मैं अल्ट्रा कर देता हूँ और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। सेव टू गैलरी पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो पोस्टर है कम्प्लीट तैयार हो जाएगा और आपकी गैलरी में आकर सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ आप पिक्सेल लाइव में और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा पोस्टर इस तरह से कंप्लीट तैयार हो चुका है, वो भी एक HD क्वालिटी में। तो दोस्तों यहाँ पे कंपेयर किया जाए जो मैं पोस्टर दिखाया उस पोस्टर इस तरह से था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पोस्टर था, डाउनलोड में आता हूँ और रहा मेरा पोस्टर ये। तो देख सकते हैं ये रहा मेरा पोस्टर और मैं आप लोग को दिखाया जो वो पोस्टर था। तो आप लोग इस तरह से पोस्टर बना सकते हैं। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मन में किसी प्रकार का सवाल तो जरूर कमेंट करना। तब तक के लिए कृपया शांति, सन गॉड, नमस्ते।